खबर का रुख करते हैं। श्री खाटू श्याम भक्तों के लिए बड़ी खबर है। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन को लेकर बड़ा अपडेट। खाटू धाम में बाबा श्याम के नियमित दर्शन हो सकेंगे। सुगम और सुलभ दर्शन मंदिर कमेटी कराएगी। बाबा श्याम मंदिर कमेटी ने किसी तरह की कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है, किसी तरह से भी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल सुचारू रूप से बाबा श्याम के दर्शन हो सकेंगे। मंदिर विस्तार योजना को लेकर बाद में कोई निर्णय होगा, क्योंकि अफवाहें इस तरह की उड़ी कि मंदिर जो है, मंदिर में विस्तार कार्य है और इसको लेकर शायद मंदिर अभी में दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस तरह की अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें। फाल्गुन मेले के समय में कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी कमेटी ने मंदिर पट बंद नहीं करने का निर्णय लिया है। और हमारे साथ सीकर से रमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी है? पहले कुछ अफवाहें जरूर थी, लेकिन अभी नियमित दर्शन हो सकेंगे खाटू धाम में बाबा श्याम के? बिल्कुल, मैं का बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बाबा श्याम के दर्शन होंगे, सुगम होंगे और अच्छे से दर्शन होंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले श्याम भक्तों को अच्छे से दर्शन कैसे कराएं, उन्हीं को लेकर के रास्तों का चौड़ाईकरण होगा, सौंदर्यकरण होगा और एक पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी बनेगा। इसी का साथ जिस तरीके से एक अफवाह आ रही थी कि बाबा श्याम के दर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बंद होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा श्याम के भक्तों को दर्शन नियमित रूप से होंगे और अच्छे से होंगे। हालांकि मेले को, फागुन मेले को देखते हुए जिला कलेक्टर ने ये जरूर कहा है कि श्याम भक्तों को अच्छे से दर्शन हो, इसके लिए हमें समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ रास्ते चौड़े किए जाएंगे, लेकिन मंदिर बंद को लेकर के श्याम कमेटी ने अभी तक किसी भी तरह से अधिकृत रूप से अपना बयान नहीं दिया है और श्याम भक्तों को अच्छे से दर्शन होंगे, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है। बिल्कुल रमेश, और जो ये बताया जा रहा है कि जो निर्माण कार्य चलेगा, क्या वो आगे आने वाले महीनों में होगा? हाँ बिल्कुल, फागुन का मेला बड़ा मेला होता है बाबा श्याम का और यहाँ लाखों भक्त आते हैं, तो जिला प्रशासन की एक ही मंशा है कि श्याम भक्तों को अच्छे से दर्शन कैसे कराएं। उसके लिए सड़कों का चौड़ाईकरण होगा, जहाँ अतिक्रमण है वहाँ हटाए जाएंगे। और जिला प्रशासन के एक साफ से मंशा है कि सीकर में खाटू श्याम जी दर्शन करने वाले श्याम भक्तों को बेहतर सुविधा दे, इसके लिए कई निर्णय आज मीटिंग में लिए गए हैं। चलिए, तो बेहतर सुविधा मिले इसके लिए कार्य होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु उसी सुगमता के साथ, सरलता के साथ बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अभी पट लगातार बाबा के खुले रहेंगे। अभी इन दिनों में किसी तरह से भी कोई पट बंद नहीं किए जाएंगे।